हेलो दोस्तों, हमारे चैनल राहुल जी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबर कार्ड ऑनलाइन कैसे करना है, उसका सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, लेबर कार्ड ऑनलाइन करने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो फिल करके आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आप सभी को सारा प्रोसेस बताएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देख करके आप अपना श्रमिक कार्ड या फिर लेबर कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, अपने प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, हमारे चैनल राहुल सीए को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप श्रमिक पंजीयन पर जाएंगे तो दोस्तों, यहाँ पर श्रमिक पंजीयन और संशोधन का ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों आप उस पर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर श्रमिक पंजीयन एवं संशोधन का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप नया श्रमिक पंजीयन करना चाहते हैं तो दोस्तों, आप यहां पर अपना आधार नंबर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपका मंडल क्या है, कुछ इस तरीके से आप अपना मंडल जो है चूज कर लीजिएगा। मंडल चूज करने के बाद दोस्तों, आप अपना जनपद जो है कुछ इस तरीके से यहां पर जनपद चूज कर लीजिएगा। जनपद चूज करने के बाद दोस्तों, आप यहां पर अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों, आप यहां पर आवेदन या संशोधन करें पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को दोस्तों आपको यहां पर फिल करना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपके सामने नीचे दी गई जानकारी को अपने आधार कार्ड के अनुसार भरना है। तो दोस्तों, आपने पहले से ही मंडल चूज कर लिया है और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो आधार संख्या आपने फिल किया है यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों, आप यहां पर आधार कार्ड में जो नाम दिया है श्रमिक का, यहां पर आप नाम फिल करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों, यहां पर जो है ऑटो फिल हो जाएगा आपका नाम हिंदी में। उसके बाद दोस्तों, यहां पर पिता का नाम अंग्रेजी में आपको फिल करना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप पिता का नाम फिल करेंगे तो दोस्तों, आपके पिता का नाम हिंदी में कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपना जेंडर जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहां पर जन्मतिथि दिया गया है यानी डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में है यहां पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, जो आपका आयु होगा यहां पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हम नीचे की तरफ जाएंगे तो दोस्तों, यहाँ पर घोषणा दिया गया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे। चेक मार्क लगाने के बाद दोस्तों, हम नीचे की तरफ चलते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमें चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद दोस्तों, हम नीचे की तरफ आएंगे तो दोस्तों, यहाँ पर आधार सत्यापन दिया गया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपके आधार का सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरीके से श्रमिक के पंजीयन का आवेदन पत्र जो है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रमिक का आधार नंबर जो है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, श्रमिक का आधार कार्ड किस राशन कार्ड से जुड़ा है उसका राशन कार्ड नंबर यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको माता का नाम अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से फिल करना है। उसके बाद दोस्तों, माता का नाम हिंदी में जो है ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कार्य का प्रकार दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कार्य के प्रकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप किस प्रकार के कार्य करते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपका जो लिंग है यहाँ पर पहले से ही चूज हुआ है और डेट ऑफ बर्थ भी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर वैवाहिक स्थिति दिया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि दोस्तों आपका विवाह हो चुका है तो दोस्तों, विवाहित पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि दोस्तों आपको विवाह नहीं हुआ है तो दोस्तों, आप अविवाहित पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि दोस्तों विधवा या विधुर हैं तो दोस्तों, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी आयु है यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जात का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आप किस जात से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप इसे ओपन करके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहां पर ईमेल का ऑप्शन दिया गया है। यदि दोस्तों आपके पास ईमेल आईडी है तो दोस्तों, आप यहां पर ईमेल आईडी फिल कर दीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहां पर नियोजक का मोबाइल नंबर यानी कि जो आपका ठेकेदार है उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम और पता आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर गत वर्ष माह में निर्माण कार्य दिवस की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप माह में कितने कार्य किए हैं आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो यहाँ पर आपको चेक मार्क लगा देना है, अगर नहीं है तो दोस्तों आप इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। तो दोस्तों, आपने कितनी पढ़ाई की है यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका जो बेसिक डिटेल्स है यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका एड्रेस डिटेल जो है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन का पत्र व्यवहार पता दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले से ही हमारा जनपद जो है चूज है। तो दोस्तों हम यहाँ से अपना तहसील जो है कुछ इस तरीके से चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नगर निकाय विकास खंड दिया गया है। अगर दोस्तों आप नगरीय क्षेत्र से हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर नगर निकाय चूज कर लीजिएगा। यदि दोस्तों आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो विकास खंड जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका विकास खंड क्या है आप कुछ इस तरीके से आप अपना विकास खंड यहाँ से चूज कर लीजिएगा। विकास खंड चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वार्ड गांव दिया गया है। तो दोस्तों आपका गांव क्या है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना गांव सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो पोस्ट पिन कोड है आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना पोस्ट जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थाना दिया गया है। तो दोस्तों आपका थाना क्या लगता है तो दोस्तों आप यहाँ पर थाना फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गली या मोहल्ला दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना गली मोहल्ला जो है कुछ इस तरीके से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मकान संख्या है। यदि दोस्तों आपके पास मकान संख्या है तो दोस्तों आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप इसे छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदक का अस्थायी पता और पत्र व्यवहार पता दोनों सेम है तो दोस्तों आप यहाँ पर चेक मार्क लगा दीजिएगा। यदि सेम नहीं है तो दोस्तों आप वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर दोस्तों सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा जो एड्रेस तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा पत्र व्यवहार का पता सेव हो जाएगा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विदेश में काम करने हेतु दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि दोस्तों आप विदेश में कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने नॉमिनी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी में उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रमिक से संबंध क्या है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण दिया गया है। आपके परिवार में कितने श्रमिक सदस्य हैं तो दोस्तों यहाँ पर श्रमिक पंजीयन आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सदस्य का नाम जो है यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सदस्य का नाम हिंदी में ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सदस्य का आधार नंबर जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिंग है महिला या पुरुष यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जैसे ही फिल करेंगे तो दोस्तों उसका कुल आयु कितना है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्ष और माह दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर वर्ष या माह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संबंध दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर श्रमिक से संबंध क्या है आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बैंक का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों आप यहां पर अपना खाता संख्या जो है फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर आईएफएससी कोड फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप आईएफएससी कोड यहां पर फिल करेंगे तो दोस्तों आपका बैंक का नाम जो है यहाँ पर आ जाएगा, उसकी शाखा क्या है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खाता का प्रकार दिया गया है। तो दोस्तों आपका खाता बचत चालू या जनधन है तो दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर EPF दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप EPF में पंजीकृत हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप इन दोनों ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ आएंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है किसी अन्य राज्य से इसी बोर्ड में पंजीकरण का विवरण है तो दोस्तों आप यहाँ पर चेक मार्क लगा दीजिएगा। यदि दोस्तों नहीं है तो दोस्तों आप इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संलग्न विवरण दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर श्रमिक का फोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आधार कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड को दोनों एक साइड में करके एक ही पेज पे करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना पासबुक स्कैन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करके बैंक पासबुक को अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्व घोषणा पत्र की प्रतिलिपि अपलोड करनी है। तो दोस्तों आप यहाँ डाउनलोड करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने श्रमिक पंजीयन हेतु घोषणा पत्र आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करके उसे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नियोजक प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अपलोड करें पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके जो ठेकेदार हैं उनका नियोजक प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव एंड डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों ने सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फाइनल के ऑप्शन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आपने जो फॉर्म फिल किया है आप उसे चेक कर लीजिएगा। फॉर्म चेक करने के बाद दोस्तों आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको आवेदन संख्या मिल जाएगी। तो दोस्तों आप यहां फिर से होम पेज पर आ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही श्रमिक पर क्लिक करेंगे इसे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पर पंजीयन की स्थिति पर क्लिक कर दीजिएगा। पंजीयन की स्थिति पर क्लिक करने के बाद दोस्तों तो दोस्तों श्रमिक आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप अपना यहां पर आधार नंबर या फिर आवेदन संख्या या फिर पंजीयन संख्या आप यहां पर फिल करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने कैप्चा कोड दिखाई देगा। तो दोस्तों आप यहां पर कैप्चा कोड फिल कर दीजिएगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आपका श्रमिक आवेदन की स्थिति जो है आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने श्रमिक कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल राहुल सीए को सब्सक्राइब कर लें।